नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट महेंद्र गार्गिया। हमारे यूट्यूब चैनल टेक्सपर्ट में एक बार आपका फिर स्वागत। और जैसा कि आपको मालूम है कि टेक्सपर्ट चैनल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में समय समय पर होने वाले अमेंडमेंट्स और जो इश्यूज अराइज हो रहे हैं उनको आपको हम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मैं आज फॉर्मल ज़्यादा हूँ, तो मैं आपसे शेयर कर लूँ कि आज हमारे यहाँ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पहला ट्रायल केस शुरू हुआ था। और एक इसको संयोग बोलिए या कोइंसिडेंस कि वो पहला मैटर मेरा ही आर्ग्यू हुआ है। इससे पहले भी कोरोना काल के पूर्व भी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कंसेप्ट इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में इंट्रोड्यूस किया गया तो जयपुर जोधपुर बेंचेज में ये जब सेटअप किया गया उसके पश्चात जयपुर बेंच में ये मैटर पहला आर्ग्यू हुआ। और थर्ड मेंबर हमारे ऑनरेबल अकाउंटेंट मेंबर प्रमोद कुमार अहमदाबाद में बैठे थे, और जबकि मैं और जो डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे जिसे हमें DR बोलते हैं, दोनों पार्टियां यहाँ जयपुर में आर्ग्यू कर रही थी और वीडियो पे हम सामने प्रमोद कुमार जी को देख पा रहे थे और वो हमें सुन पा रहे थे। चलिए, और मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ ही समय में जो चैनल को आपने सपोर्ट दिया है, सम्मान दिया है, और वो इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पिछले एक वीक के शॉर्ट पीरियड में ही हमारे सब्सक्राइबर की जो संख्या है वो 100 से ज़्यादा बढ़ गई। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत का जो मैंने हिंदी में एक वीडियो यूट्यूब पे जारी किया गया था, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन थे, जो हिंदी पे जारी किया था उसमें बहुत ही थोड़े समय में 500 से ज़्यादा व्यूइंग उस पर मिल गई है, हमें उसको व्यू किया लोगों ने। जो फेसलेस असेसमेंट ई असेसमेंट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका इंग्लिश वर्जन को बहुत ही 2 से 3 दिन के पीरियड में 300 से ज़्यादा व्यूइंग मिली है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे इसमें मिले हैं, यूट्यूब से भी मिले हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मेल के जरिए भी मिले हैं, उन सबका मैं जवाब अब देने की कोशिश करूँगा। इसमें होने वाली देरी के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। और आज का जो सब्जेक्ट है ई असेसमेंट, मेरा ये यूट्यूब वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, पूरा क्यों देखना चाहिए, उसके बारे में बता दूं कि इसको समझना शुरू से आखिरी तक नहायत ज़रूरी है। सारा मैटर स्टेप बाई चलेगा, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, और यही वीडियो नहीं है, ये वीडियो इससे और आने वाले एक दो वीडियो और होंगे कड़ी में जिसको भी आप देखेंगे तो ताकि आपको पूरी स्कीम के बारे में समझ आए, क्या हमें सावधानी लेनी है, इसके टिप्स भी मैं आपको इनको हर वीडियो में हर इश्यूज़ को समझाते समझाते भी दूंगा, और वीडियो सारा ख़त्म होने के बाद मैं अलग से भी इस बारे में टिप्स दूंगा। क्योंकि अब अगर हमारे केस को अच्छी तरह से पुटअप करना है और फेवरेबली असेसिंग ऑफिसर से डिसाइड करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे हर वीडियो को आप शुरू से आखिर तक पूरा देखें, धैर्यपूर्वक देखें, लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए ही मैं सारी एक्सरसाइज करूँ। और साथियों, आप आज के सब्जेक्ट ई असेसमेंट पर आते हुए, एक तो आप मुझे उम्मीद है मेरा एक PPT प्रेजेंटेशन आप इस पे देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जो सब्जेक्ट्स आप देख पा रहे हैं उनको कवर करने की। सबसे पहले तो आज के सब्जेक्ट का मैं इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा। दूसरा, ई असेसमेंट आने के ठीक 2-3 सालों में क्या बैकग्राउंड रहा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में मैं ई असेसमेंट स्कीम के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा करूंगा और मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि ये इसकी नाइसिटीज या इसकी टेक्निकलिटीज आपको समझ में आए। ये समझाने के बाद मैं फिर आपको ये कोशिश करूंगा कि ई प्रोसीडिंग और ई असेसमेंट में क्या फ़र्क है, क्योंकि इस बारे में कई लोगों को बड़ी भ्रांति या कन्फ्यूजन है। इसके बाद हम कुछ बात करेंगे ई अपील और ई पेनल्टी, जो कानून में इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन तो आ गया है इसका, लेकिन इसकी आना बाकी है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ई असेसमेंट के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और उसके बाद उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इश्यूज अराइज हो रहे हैं, हमारे क्या सजेशन हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकि इस स्कीम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा सके, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या टिप्स रहने वाली है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी अपील और आपका आपका जो असेसमेंट है वो सक्सेसफुली असेसिंग ऑफिसर आपके फेवर में कंप्लीट कर। तो साथियों, मैं अब इस स्कीम की तरफ आपको बता दूं क्या सब्जेक्ट है, ये इंट्रोड्यूस कर दूं। आपको ध्यान है हमारे प्रधानमंत्री मोदी का जो पहला कार्यकाल था उन्होंने एक सपना देखा था डिजिटल इंडिया का, मतलब करप्शन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लाने में डिजिटल इंडिया की अवधारणा उनके दिमाग में थी,
और वो एक सपना उनका है, उसी सपने को क्रियान्वित करने के क्रम में ये सारा अभी चल रहा है स्कीम। मोदी जी ने एक ऑफिसर्स कॉन्क्लेव हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत बड़े जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों की, उसमें भी उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसी कोई स्कीम लेके आए जिसमें फेसलेस हो, आदमी सामने देख नहीं पाए एक दूसरे को, कौन असेसिंग ऑफिसर है कौन असेसी है, ये स्कीम लेके आए। तो साथियों मैं बताऊं कि प्रथम चरण में इस योजना में 58,322 केसेस को सेलेक्ट किया गया। शुरुआत में 5 बड़े शहरों में ये लागू किया गया, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। उसके बाद 2 और शहर इसमें जोड़ दिए गए, हैदराबाद, कोलकाता। और मैं और आपको बता दूं कि अब विभाग, जैसा कि मैंने सुना है, अगर सही हो तो 4 लाख केसेस और इन्होंने अभी कुछ समय पहले सेलेक्ट किए जिनको ई असेसमेंट के जरिए किया जाएगा। तो अब एक तरह से समझिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो नया फेस है वो ये फेसलेस स्कीम होने वाला है। साथियों ऐसा नहीं है कि ये केवल हमारे भारत में ही इस स्कीम को लागू किया गया, कुछ और देशों में ये योजना पहले से चल रही है और ऐसा मैंने सुना एक सक्सेसफुल रही है। वो देश है सिंगापुर है, ब्रिटेन है, ब्राजील है, जापान, जर्मनी, कोरिया, उन देशों में है। ई असेसमेंट आने के पहले पहले भी क्या हिस्ट्री इसकी रही है और सरकार ने प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार मुक्त सपने को साकार करने के लिए डिजिटल इंडिया के माध्यम से कोशिश की है पिछले कुछ सालों में कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए और ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा से ज्यादा जो है मानव का जो इंटरवेंशन इसमें होता है, जहां से करप्शन की शुरुआत होती है या जहां भ्रष्टाचार पनपता है, उस ह्यूमन एलिमेंट को ही दूर कर दिया जाए ताकि करप्शन होने की कोई संभावना आगे नहीं रहे। इन सभी के पीछे सरकार का ऐसा सोचना है कि असेसमेंट और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सभी या अपील या पेनल्टी सभी में ऐसा सिस्टम रखा जाए जिसमें सबसे पहले ट्रांसपेरेंट हो सिस्टम, भ्रष्टाचार मुक्त हो, दूसरा एफिशिएंसी, जो कर्मचारी अधिकारी उसमें लगे हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ती जाए, कम लागत हो और ज्यादा एफिशिएंटली वो काम करें, और तीसरा था कंसिस्टेंसी आ जाए। कंसिस्टेंसी का मतलब मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि अभी तक ऐसा हो रहा है कि एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हिंदुस्तान में बैठे अलग अलग कोनों में अलग अलग असेसिंग ऑफिसर्स अलग अलग व्यू रहते हैं। जहां राजस्थान में बैठे हो असेसिंग ऑफिसर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हो सकता है एसएससी के फेवर में व्यू ले, तो दक्षिण में बैठा हो असेसिंग ऑफिसर एसएससी के विरुद्ध ले सकता है, या ये भी हो सकता है कि दोनों ही असेसिंग ऑफिसर एक व्यू ले रहे हैं एसएससी के अगेंस्ट में लेकिन अलग 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 कारणों से ले रहे हैं, तो उससे लिटिगेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा अभी तक मिल रहा था। तो उसको रोकने के लिए भी, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए भी, जिससे लिटिगेशन अल्टीमेटली कम हो और असेसी और विभाग दोनों का समय एनर्जी इसमें बचाया जा सके, ऐसा प्रयास सरकार ने इस योजना के माध्यम से किया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ई असेसमेंट स्कीम आने के पहले पहले केंद्रीय सरकार प्रयासरत है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके। और आपको जैसा कि ध्यान है पहला चरण इसमें था कास, ये होता है कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी सिलेक्शन। आपको ध्यान होगा केसेस का सिलेक्शन एक जमाने में व्यक्ति इन्वॉल्व अधिकारी किया करते थे और एक भय का वातावरण हमेशा एसएससी को लगा रहता था कहीं उसका केस सेलेक्ट नहीं हो जाए, और दुर्भाग्यवश ऐसे मामले में करप्शन पनपता था और एसएससी को उसमें कुछ कॉस्ट भी देनी पड़ती थी। साथियों सरकार ने कास्ट सिस्टम और कुछ और डेवलप करने के बाद एक ई असेसमेंट प्रोसीडिंग स्कीम सरकार लेके आई और उसमें असेसमेंट एसएससी और असेसिंग ऑफिसर के बीच में ऑनलाइन होने लग गया, जिसमें सारी क्वेरी लेटर भी ऑनलाइन एसएससी के पास आने लगे और एसएससी को जवाब भी उसका ऑनलाइन ही देना होता था। लेकिन यहाँ तक असेसिंग ऑफिसर का हमें मालूम था, इसके फर्क में और आगे आपको बताऊंगा। तो ई प्रोसीडिंग की योजना सरकार ने शुरू करी, एक नई जो रूल था 127 आयकर रूल, जो इनकम टैक्स रूल्स हैं उसमें एक अमेंडमेंट किया गया और उस रूल के माध्यम से नोटिसेस की सर्विसेज देना, दूसरे कम्युनिकेशन ऑर्डर सर्व करना, वो जो अब तक फिजिकली होता जा रहा पोस्टमैन के जरिए रजिस्टर्ड एडी के जरिए हो रहा था, उसके साथ साथ उन्होंने अब इसको फिजिकल सर्विस के बारे में भी शुरू कर दिया। क्योंकि एक बहुत बड़ा लिटिगेशन का पार्ट केवल इस बात पे होता था कि कोई नोटिस समय से इशू जारी किया गया नहीं किया गया या सर्विस उस पर एसएससी पे किया गया नहीं किया गया। तो केंद्रीय सरकार ने इसी क्रम में 2016 से 2018 में समय समय पर बहुत रूल्स में परिवर्तन किए, नए नोटिफिकेशन निकाले, नई योजनाएं निकाले, और एक और नया जो उन्होंने अमेंडमेंट किया वो था कंसेप्ट ऑफ हियरिंग। तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशन का क्लॉज है सेक्शन 2, उसमें सबसेक्शन 23C को इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस एक्ट 2016 से, असेसमेंट 2016-17 से, और उस कंसेप्ट ऑफ हियरिंग में जो अब तक ट्रेडिशनल हियरिंग हम देखते हैं जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर के सामने आप या आपके वकील साहब या आपके मुनीम जी बैठते थे,
अपना पूरा बस्तर सबमिशन लेकर के फेस टू फेस सारे पॉइंट डिस्कशन होते थे, तो उसको खत्म करने के लिए और ये ई असेसमेंट या फेसलेस असेसमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक हियरिंग का नया कंसेप्ट लाया जो ई हियरिंग होती है। और ई हियरिंग के डेफिनेशन में पढ़ दूँ आपको, इसमें स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, इसका मतलब अब उन्होंने ये कर दिया कि ई हियरिंग इंक्लूड्स कम्युनिकेशन ऑफ डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए आपका कम्युनिकेशन होगा, सारे डाटा आपके जाएंगे आएंगे सब होगा, फिजिकली कागज का लेन देन डिस्कशन नहीं होगा, ये हियरिंग में होगा। मतलब ट्रेडिशनली होगा तो सही, लेकिन ये और साथ में उसमें शामिल कर दिया गया। और केंद्रीय सरकार इसी क्रम में 2017 में एक नया उन्होंने इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिसका नाम था इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन ITBA। इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्ट के थ्रू सारी प्रोसीडिंग करने का, सारे गवर्नमेंट के फंक्शंस का करने का, जिसमें असेसमेंट भी शामिल है, उसका करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। साथियों, जहां तक असेसमेंट 17-18 के असेसमेंट की बात है कंप्लीट होने की, तो वो सारे असेसमेंट तो अब तक कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि वो टाइम बारिंग हो रहे थे, उनको एक समय सीमा के पहले किया जाना था, 31/12/19 के पहले उनका कंप्लीट होना जरूरी था, तो वो या तो ट्रेडिशनल असेसमेंट प्रोसीडिंग के जरिए या ई असेसमेंट प्रोसीडिंग के जरिए कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन 18-19 जो है वो तीन तरह से होता है, पार्टली तो वो ट्रेडिशनल असेसमेंट में हो रहा है, पार्टली वो जो ई प्रोसीडिंग में सेलेक्टेड केसेस उसमें हो रहा है, और चूंकि सितंबर 2019 में ये स्कीम लागू कर दी गई तो उसके बाद जो मैंने अभी आपको बोला 58,322 केसेस हैं, उनमें से कुछ केसेस फिर ई असेसमेंट के जरिए किए गए या किए जा रहे हैं। और जहाँ तक 19-20 असेसमेंट ईयर को करने की बात है तो वो तो सभी अगर सेलेक्ट किए गए तो या तो वो ट्रेडिशनल होंगे, और सेलेक्ट किए गए तो वो ई असेसमेंट प्रोसीडिंग के जरिए ही किए जाएंगे। कुछ और नोटिफिकेशन इसमें समय समय पर वो लेके आए हैं जो मैंने इसमें यहाँ पे PPT पर आप देख रहे हैं। फेसलेस असेसमेंट स्कीम या ई असेसमेंट स्कीम सबसे पहले जो रिकमेंडेशन की थी वो हमारे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन TARC ने की थी। उन्होंने क्या कहा जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं इसको स्किप कर लेता हूँ, ये जो चाहे उनकी जानकारी के लिए। इसी तरह से हमारे लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जी जेटली, उनका स्पीच भी मैंने यहाँ रिप्रोड्यूस किया है। और अपने स्पीच में जो बजट 2018 यूनियन बजट 2018 पेश करते समय उन्होंने बोला कि 2016-17 में हमने पायलट प्रोजेक्ट में ई प्रोसीडिंग को शुरू किया और इससे उत्साहित होकर हम आगे ई असेसमेंट स्कीम हम लाने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने इसमें बोला। तो साथियों, फाइनेंस मिनिस्टर जेटली जी की स्पीच के बाद ही फाइनेंस एक्ट 2018 में इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन किया गया और दो नए सबसेक्शन 3A और 3B इसमें 143(3) सेक्शन में डाले गए 1/4/18 से, यानी कि असेसमेंट ईयर 18-19 से। मैं आपको शॉर्ट में और सरलता से समझा देता हूँ कि 3A और 3B क्या कहता है। जहाँ सेक्शन 143(3A) सरकार को ये अधिकार देता है कि वो कोई भी एक ऐसी स्कीम लेके आए जिससे कि असेसमेंट किया जा सके असेसी की जो घोषित या डिक्लेयर्ड इनकम का है, लेकिन उसमें एफिशिएंसी रहनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जैसा कि हमने अभी इसको डिस्कस किया इन टर्म्स को और आगे भी आपको समझ में आएगा कैसे कर सकते हैं। वो भी गाइडलाइन इस इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन में सब सेक्शन में दिया गया है कि एक तो एलिमिनेट करेंगे इंटरफेस, मींस असेसिंग ऑफिसर और असेसी के बीच में किसी भी तरह का संपर्क कोई नहीं रह पाएगा, वो आमने सामने नहीं बैठ पाएंगे, वो एलिमिनेट करना है इंटरफेस को। दूसरा है जो सरकार के पास जितने भी साधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसको इकोनॉमिक स्पेल पे देखा जाएगा, एफिशिएंसी लेके आना चाहती है सरकार ताकि खर्चे कम हो, रिजल्ट ज़्यादा हो। एक एक असेसमेंट को करने में जो सरकार की कॉस्ट आ रही है पर असेसमेंट, उसको कम करने के लिए इसमें स्कीम में प्रावधान होना चाहिए, ऐसा कानून ये कह रहा है। और तीसरा, ये टीम बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए, टीम बेस्ड असेसमेंट। टीम बेस्ड असेसमेंट का मतलब ये है कि जैसा ट्रेडिशनल असेसमेंट में हम देखते आए हैं कि केवल एक असेसिंग ऑफिसर होता है, एक दिमाग होता है आपके पूरे केस पे, उसको कहीं से राय लेनी है वो राय लेगा, लेकिन अल्टीमेट वो अकेला आदमी है जो इसको कर रहा है। अब बहुत सारे ऑफिसर रहेंगे टीम में एट ए टाइम, और एक साल के एक असेसमेंट को करने के लिए पूरी टीम रहेगी, वो असेसमेंट करेगी, इसलिए टीम बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए। तो इस आधार पे केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया, एक नया स्कीम वो लेके आए नोटिफिकेशन के जरिए। दूसरी धारा इसमें जो जोड़ी गई वो सबसेक्शन 3B था, और उसके तहत केंद्रीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो ऐसा डिसाइड कर सकती है कि इनकम टैक्स एक्ट की कोई भी धारा लागू किया जाए या नहीं लागू किया जाए, और अगर लागू किया जाए तो उनमें किन परिवर्तनों के साथ इसको लागू किया जाए ताकि किसी भी तरह से इस ई असेसमेंट स्कीम को सक्सेसफुली लॉन्च किया जा सके। और उसके बाद हमारी वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने अपना जब बजट पेश किया तो उसमें दोबारा उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया
इस समय, और एक चिंता भी उन्होंने जाहिर की है, जैसा कि आप इसमें इनका जो रिलेवेंट पोर्शन मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और उनकी चिंता साफ नज़र आती है कि पर्सनल इंटरेक्शन जब हो रहा था टैक्स पेयर डिपार्टमेंट के बीच में, तो इससे बड़ा अनडिजायरेबल प्रैक्टिस इसमें डेवलप हो रही थी। तो इशारा साफ है कि भ्रष्टाचार की तरफ उनका इशारा था, और एलिमिनेट सच इंस्टांसेस, उनका कहना था कि इस तरह की परिस्थितियों को हम दूर करें, उसके लिए हम जो योजना लाए हैं वो फेज मैनर में हम लागू करेंगे और एक साथ लागू नहीं करेंगे, सर्टेन स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स और डिस्क्रिपेंसीज को देखते हुए टुकड़े टुकड़े में, कुछ ट्रांजेक्शन्स पर अभी किया, कुछ बाद में किया, इस तरह से इस योजना को हम आगे लेके आएंगे। और उन्होंने इसमें ये भी बताया है कि आपको ये नहीं बताया जाएगा कि असेसिंग ऑफिसर का नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ बैठता है। तो एक तरह से ये कंप्लीट शिफ्ट हो गया आपके ट्रेडिशनल से 360 डिग्री, जो पहले आप देखते हैं और अब आप देखोगे, ये इसी असेसमेंट में आप आगे पाएंगे। इन दोनों नए सबसेक्शन 3A और 3B को जब सेक्शन 143(3) में इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके तहत सरकार दो नोटिफिकेशन के जरिए पूरी स्कीम लेके आई, ये हमें समझना ज़रूरी है। पहला नोटिफिकेशन था 61/2019 और दूसरा था 62/2019, और दोनों ही डेटेड 12/9/19 के हैं। जो 61 नंबर का नोटिफिकेशन है उसके जरिए तो धारा 3A जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर पूरी ई असेसमेंट स्कीम कैसे काम करेगी, कौन करेगा, जो हम आगे आने वाले इस वीडियो में आने वाले में समझेंगे, उसके बारे में चर्चा की गई। और जो दूसरा नोटिफिकेशन था 62, उसमें धारा 3B के तहत कौन कौन से प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट के लागू होंगे, नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वो क्या क्या मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट के साथ लागू होंगे। तो साथियों, हमने देखा कि ये जो स्कीम है इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये स्कीम अपने आप में पूरा एक कोड है। इसमें 24 डेफिनेशन दी गई हैं अलग अलग टर्म्स की, 12 क्लॉजेज इसमें डाले गए हैं अलग अलग स्कीम को एक्सप्लेन करने के लिए। ई असेसमेंट स्कीम जैसा कि इन्होंने डिफाइन किया है उसका स्कोप केवल इनकम टैक्स है, इसमें वेल्थ टैक्स शामिल नहीं है। आप मेरे प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि मैंने सभी जगह जगह पर जो स्कीम के क्लॉजेज हैं उनका रेफरेंस दिया है। तो अगर आप चाहें तो इस स्कीम की नोटिफिकेशन को, जिसको मैं हमारे इसमें लिंक भी इसमें यूट्यूब चैनल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इस पूरे PPT का लिंक भी आपको मिलेगा, साथ साथ जो ये नोटिफिकेशंस है 61 और 62 उनका लिंक भी मिलेगा, आप वहाँ जा कर के उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि स्कोप ऑफ द स्कीम जो क्लॉज 3 में बताई गई है वो क्या है। तो इन्होंने ये बताया है कि स्कीम में अलग अलग टेरिटोरियल एरियाज डिफाइन किए जाएंगे, उस पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया, जैसे कि हम देख चुके हैं पहले 5 सिटीज में था, फिर 2 में बढ़ाया, 7 सिटीज में लागू है, उसके बाद कुछ और सिटीज में लागू करेंगे, या ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ असेसीज के बारे में किया जाए। तो ये अलग अलग क्राइटेरियाज होंगे जो बोर्ड समय समय पर डिसाइड करता जाएगा। इसके क्या उद्देश्य हैं मैंने यहाँ बताया है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि रिड्यूस द ह्यूमन इंटरफेस, असेसिंग ऑफिसर और असेसी के बीच में किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रहेगा, वो आप देख नहीं पाएंगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अगली स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्राइम ऑब्जेक्टिव स्कीम क्या है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं, हम देख चुके हैं इससे पहले पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब आता है व्हाट इज ई असेसमेंट। तो इसके लिए जो डेफिनेशन है वो स्कीम के क्लॉज 2 Roman 13 में दी गई है, और उसका मतलब ये कि वो असेसमेंट प्रोसीडिंग जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट की जाएगी, ई प्रोसीडिंग फैसिलिटी के माध्यम से की जाएगी और असेसी के केवल रजिस्टर्ड पोर्टल अकाउंट पे की जाएगी, और केवल डेजिग्नेटेड पोर्टल, जैसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डेजिग्नेटेड पोर्टल हम जानते हैं इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in है, उस पर ही की जाएगी। अब इसमें कौन से असेसमेंट कवर्ड है, पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि वेल्थ टैक्स इसमें कवर नहीं है, दूसरा इसके अंदर इनकम टैक्स में भी सभी तरह के असेसमेंट कवर नहीं है, केवल वो स्क्रूटनी असेसमेंट जो सेक्शन 143(3) में किए जाते हैं वही कवर्ड है। आपको मालूम होगा कि इनकम टैक्स में असेसमेंट 2 तरह से हो रहे हैं, एक तो आप रिटर्न फाइल करते हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPC से जो फिलहाल बेंगलोर में है उससे असेसमेंट होकर आता है, अपने आप ही आ जाता है, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और एक वो जो स्क्रूटनी केसेस हैं जहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है डिपार्टमेंट के जो सॉफ्टवेयर में, पहले आपको बता चुका हूँ कुछ पॉइंट्स पे, तो लिमिटेड स्क्रूटनी या फुल स्क्रूटनी के लिए उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो फिलहाल जो योजना है ये असेसमेंट ये केवल इन स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए ही है। अब एक सवाल आया था कि जहाँ एक तरफा फैसला हो जाता है असेसी को बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी असेसी असेसिंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा हो, जो नोटिस दिए रहे हैं उनकी अनुपालना नहीं हो रही हो, जो डिटेल मांगी जा रही है, इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, उनको सबमिट नहीं किया जा रहा है, वो क्लेरिफिकेशन नहीं दिए जा रहे, तो असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 144 इनकम टैक्स एक्ट के 144 में यह अधिकार होता है कि वो जो भी मटेरियल उपलब्ध है, जो सूचनाएं, जो मटेरियल कागजात उपलब्ध हैं उनके आधार पर एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पारित कर दिया जाए, क्योंकि समय सीमा उसके ऊपर है, वो एक निश्चित सीमा के बाद रुक नहीं सकता।
लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट आ गया है अभी तक तो पिछले 2 सालों में, मतलब असेसमेंट ईयर 18-19 और 19-20 को करते समय केवल धारा 143(3) मतलब 143(3) के स्क्रूटनी असेसमेंट ही इसी स्कोप इसके स्कोप में कवर किए गए थे, जबकि असेसमेंट ईयर 20-21 एंड ऑनवर्ड में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो मैंने बोले एक तरफा फैसले धारा 144 वाले भी कवर कर लिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ असेसमेंट और होते हैं, एस्केप्ड असेसमेंट ऑफ एस्केप्ड इनकम सेक्शन 147। अगर मैं शॉर्ट में या संक्षिप्त में आपको समझाऊं तो वो असेसमेंट वो इनकम जो पिछले कुछ सालों की है और उनका असेसमेंट होने से रह गया है किसी भी कारण से, या तो आपने वो इनकम दिखाई नहीं और बाद में सूचना के आधार पर आई, या आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो धारा 147-48 में आयकर अधिकारी ईओ को ये राइट है, इनको खोले, रीओपन करे और असेसमेंट कर ले, लेकिन वो ई असेसमेंट इसकी में वर्तमान में शामिल नहीं है। इसी तरह से सर्च से रिलेटेड असेसमेंट है, जिस व्यक्ति का सर्च हुई वहाँ धारा 153(1) असेसमेंट उसके केस में होगा, और उसी से कनेक्टेड एक तीसरा व्यक्ति जिसके सर्च तो नहीं पर उसके यहाँ कुछ कागजात इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें धारा 153(c) 153(c) के जो असेसमेंट होते हैं ये सर्च से रिलेटेड होते हैं, ये वर्तमान में दोनों ही तरह के असेसमेंट इसमें शामिल नहीं है, ई असेसमेंट इसकी में शामिल नहीं है। और तीसरा आया सेटिसाइड असेसमेंट, ये सेटिसाइड असेसमेंट वो है जब आपकी अपील इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट कहीं भी चल रही है और अपीलेट अथॉरिटी ने अपना फैसला कर दिया लेकिन उनको किसी इशू पे लगता है कि फर्दर असेसिंग ऑफिसर उसका वेरिफिकेशन करे, तो वो अपीलेट कोर्ट उस पर अपना पूरा डिसीजन नहीं देती, हाँ या ना पक्ष विपक्ष में फैसला देने के बजाय वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को वापस असेसिंग ऑफिसर को भेज देती है, रेस्टोर कर देती है कि भाई वो आप इसको वेरीफाई करें और वेरीफाई करने के बाद आप उसको दोबारा डिसाइड कर दें, तो इसे बोलते हैं सेटिसाइड असेसमेंट। वैसे हाईकोर्ट में जो प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं और जो अगर एसएससी का किसी का वास्ता पड़ा तो वहाँ सेटिसाइड एंड क्वेश्ड वर्ड होता है, वो सेटिसाइड होता है क्वेश्ड मीन्स ऑर्डर को ही क्वेश्ड कर दिया, हमारे यहाँ सेटिसाइड करने का मतलब वो पूरा ऑर्डर तो क्वेश्ड नहीं हुआ पर वो पर्टिकुलर बिंदु या पॉइंट जो था वो अपीलेट अथॉरिटी ने असेसिंग ऑफिसर को वापस भेज दिया, सेटिसाइड कर दिया, रिमांड बैक कर दिया है ताकि वो अपीलेट अथॉरिटी उसको आगे देख सके। वर्तमान में ये जो पावर है ये कमिश्नर अपील के पास नहीं है, कमिश्नर अपील पहले कर सकता था लेकिन कई साल पहले एक अमेंडमेंट 2001 में लगभग जब आया उसके बाद से उनसे पावर छीन ली गई, और वर्तमान में ये माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को ये पावर है इस तरह के किसी पॉइंट को सेटिसाइड कर दें। लेकिन ये सभी तरह के असेसमेंट जो मैंने आपको बोले ये वर्तमान में जो ई असेसमेंट स्कीम के दायरे में शामिल नहीं है, इनमें अभी भी वो ट्रेडिशनल असेसमेंट के तरीके से हमें असेसमेंट करवाने पड़ेंगे। एक बात लेकिन मैं ये बता दूं कि 147 का असेसमेंट ऐसा है जो ट्रेडिशनल के साथ साथ ई प्रोसीडिंग में भी है, ई प्रोसीडिंग में जो 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट भी है, 144 के बेस्ट जजमेंट एक तरफा फैसले भी आते हैं और 147 वाले भी फैसले ई प्रोसीडिंग में आते हैं, जिनका फर्क मैं आपको बताऊंगा। मैं ई असेसमेंट की बात नहीं कर रहा, ई प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ जो ई असेसमेंट लागू होने के 2-3 सालों में प्रचलित रही है, उनमें ई प्रोसीडिंग में ये वाले आएंगे 153(1) और 153(c) और सेटिसाइड ये अभी भी वहाँ पे लागू नहीं होते, ई प्रोसीडिंग कवर नहीं होते। साथियों ई असेसमेंट को समझने के लिए मैं एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको सुनने के बाद आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि ये ई असेसमेंट कंसेप्ट है क्या। देखिए इनकम टैक्स एक्ट से जिसका वास्ता पड़ा है पिछले सालों में, चाहे वो एज ए लीगल कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, CA जैसा भी हो, कर सलाहकार हो, उसके रूप में पढ़ाओ चाहे वो असेसी के रूप में पढ़ाओ, तो उन सबको ये मालूम है कि हमारा वास्ता कहीं ना कहीं 4 T से पड़ता है, 4 परिस्थितियों से पड़ता है, सभी परिस्थितियाँ हमारी 4 जो है वो T से एंड होती है। शुरू करें तो पहला T हमारा होता है फैक्ट मीन्स तथ्य, सबसे पहले हमारे तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, हमें वो जानना जरूरी है। और दूसरा होता है एक्ट, एक्ट मीन्स कानून क्या है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन सब सेक्शन क्या कह रहे हैं, कौन से लागू होंगे कौन से नहीं लागू होंगे, और जुडिशियल गाइडलाइन क्या है, अलग अलग न्यायालयों के कोर्ट्स के डिसीजन क्या है, ये आता है आपके सेकंड में टी में मीन्स एक्ट। तो एक हमारे यहाँ कहावत है कि फैक्ट्स कम फर्स्ट लॉ कम लेटर, और वो इसलिए कहते हैं कि पहले आप मार्शल करो फैक्ट्स को, करो आप तैयार, और उस फैक्ट के ऊपर कानून कौन सा लगेगा, इनकम टैक्स एक्ट का कौन सा प्रोविजन लगेगा या नहीं लगेगा वो डिसाइड उन फैक्ट्स पे होगा, या कोई डिसीजन नज़ीर जो आप अपीलेट अथॉरिटी को असेसिंग ऑफिसर को आप दिखाना चाहते हैं, अपने फेवर में साइड करना चाहते हैं, तो वो उन फैक्ट्स पे भी लागू हो रही नहीं हो रही है, क्योंकि एक जरा भी परिवर्तन, थोड़ा सा स्लाइटेस्ट चेंज और शिफ्ट इन दी फैक्ट्स अगर होगा, थोड़ा भी चेंज, तो उसे न तो प्रोविजन लग पाएगा और हो सकता है न जो डिसीजन आप अपने फेवर में चाहते हैं तो वो लागू हो पाएगा। प्रैक्टिस में मैं अमूमन देखता आया हूँ कि जब हम प्रैक्टिस में हमारे और प्रोफेशनल ब्रदर भी हैं या एसएससी है तो सीधा ये करते हैं कि साहब ये 3 सुप्रीम कोर्ट के हैं, 4 हाई कोर्ट के हैं, ये राजस्थान हाई कोर्ट का है, तो वो डिसीजन बाद की बातें हैं, पहले आप फैक्ट देख लें उस फैक्ट पर लागू होता है कि नहीं होता है, वो डिसीजन ये हमें देखना जरूरी है। तो ये 2 T करने के बाद तीसरा जो T है वो आता है टैक्ट, टैक्ट से यहाँ मेरा मतलब है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि हमें कौन सा आर्ग्यूमेंट पहले देना है, कौन सा हमें बाद में देना है, या कोई आर्ग्यूमेंट हमें देने के लिए वेट करना है,
हम रिएक्शन देखें कि क्या रिएक्शन होने वाला है, साइटेशन हम पहले दें नहीं दें, या कोई पर्टिकुलर साइटेशन केस लॉज हम साइट नहीं करें, हम नहीं चाहते हैं कि अभी बताएं, वो एक ट्रम्प कार्ड के रूप में हम यूज़ करना चाहते हैं। कई बार अगर कोर्ट में हम अपियर हो रहे हैं तो इसे कोर्ट क्राफ्टिंग भी बोलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जजेस का मूड क्या है, हम किस तरह से उनकी प्रेफरेंस क्या है, कुछ लोग ओरल आर्ग्यूमेंट चाहते हैं, कुछ लोग रिटर्न आर्ग्यूमेंट, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्ट में या तीसरे टी में आती है, और वो जहाँ भी उपयुक्त स्थान होगा वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि हमारे ईज असेसमेंट के कंसेप्ट में भी उसका रोल ज़रूर है, तो वो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। और अब मैं सबसे लास्ट और अंतिम जो टी है, सबसे महत्वपूर्ण लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टी पे आता हूँ, वो है पैक्ट। तो ये वो पैक्ट है जो सारी समस्याओं की जड़ है। टी पैक्ट का मतलब ये है कि आप अपने असेसिंग ऑफिसर से मिलते हैं, आपको मालूम है कि फलां असेसिंग ऑफिसर मेरा है, उनसे असेसमेंट करवाते हैं, असेसमेंट के दौरान आपके कोई डिस्कशन होते हैं, आपके हो या आपके वकील साहब के माध्यम या किसी भी माध्यम से हो, और आप दोनों एक कंफर्टेबल सिचुएशन की तलाश करते हैं जहाँ पे उनको भी आराम है आपको भी आराम है, और बस यहीं से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो लास्ट टी है पैक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का, या कहें हमारे मोदी जी का, ये सोचना है कि ये जो टी है पैक्ट का टी, इसको ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाए, पैक्ट खत्म किया जाए और उसकी जगह ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। तो ये एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। और दो उद्देश्य थे छोटे, वो हमने आपको पहले बता ही दिए कि डिपार्टमेंट अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता है, या डिपार्टमेंट अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहता है उस अधिकारी के ऊपर कि कल को उसने असेसमेंट गलत कर दिया तो, और एक उनका ये था कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे एग्जाम्पल से आपको ये असेसमेंट कंसेप्ट अच्छी तरह से और शीघ्रता से समझ आ गया आता रहेगा।